नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। पिछले अध्याय में हमने अनुपात और समानुपात के बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ा, ठीक है, उनके बारे में समझा और अच्छे से अध्ययन किया। आई होप जितने भी क्लासेस अभी तक हुए हैं आपको समझ में आए हैं, ठीक है। चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चाल, समय और दूरी, ठीक है। आइए जानते हैं कि चाल, समय और दूरी क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, इसमें से भी आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम चाल कैसे निकालते हैं। चाल निकालने के लिए हम ये कुछ सूत्र दिए हैं, उनका यूज़ करते हैं, है ना। जैसे चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, है ना। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको डी से डिनोट करते हैं, और समय को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा चाल यानी स्पीड बराबर हो जाएगा डी अपॉन टी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो याद रखिएगा, इसी को थोड़ा सा घुमा के भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। दूरी बराबर हो जाएगा, है ना, अगर हम दूरी का वैल्यू निकालेंगे तो चाल को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य चाल निकालने का फॉर्मूला, दूरी निकालने का और समय निकालने का, ठीक है। इसी तरीके से आता है औसत चाल। औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, यदि कुल तय की गई दूरी में, मतलब जितनी भी दूरी तय की जाएंगी, है ना, जितनी भी दूरी तय की जाएंगी, यदि उस कुल तय की गई दूरी में यदि हम कुल लगा समय, ठीक है, जितना भी हमारा समय लगा है यदि उसको अपन भाग कर देते हैं, कुल की गई तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, हमारा औसत चाल निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो यदि औसत चाल निकालने के लिए बोले तो आपको कुल दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी और उसमें जो है उस दूरी को तय करने में जितना समय लग रहा है उतना जो है कुल समय जो है ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। औसत चाल दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है ना, मतलब दो तरीके से आपको प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। यदि दूरी क्या हो, समान हो, है ना, यदि दूरी क्या हो, समान हो, यदि दूरी समान रहे तब हम औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो औसत चाल निकालने के लिए हो जाएगा हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ x और ये जो y है ये क्या है हमारा, जो भी हमारा चाल है ना या गति जो भी हमारा दिया जाएगा, मतलब इतने किलोमीटर पर आवर में जो है ये गति करती है, इतना इसकी चाल है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि यदि हमारा दूरी भिन्न हो तब हम औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे डी वन और डी टू हमारा क्या है, भिन्न भिन्न जो दूरियां है वो हो जाएगी, ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा, जो चाल रहेगी, है ना, मतलब जितनी भी वहाँ पे चाल दी जाएगी उसके हिसाब से रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा औसत चाल निकालने का दो महत्वपूर्ण कंडीशन, दो शर्त हो जाएगा, यदि दूरी समान हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि दूरी भिन्न हो तब हम नीचे का फॉर्मूला जो है यूज करेंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, यदि चालों का जो अनुपात है ना, यदि चालों का अनुपात हमको x अनुपात y के रूप में दिया जाए और समय का अनुपात पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा यदि चाल का अनुपात x अनुपात y है और समय का अनुपात हमको पूछा है तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, मतलब वन अपॉन एक्स अनुपात वन अपॉन वाई हो जाता है, या इसको अपन वाई अनुपात एक्स भी जो है लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, याद रखिएगा आप लोग, चालों का अनुपात यदि हमको दिया है तो समय का अनुपात जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है, जो भी अनुपात दिया जाएगा उसका, ठीक है। इसके बाद आता है सापेक्ष चाल, ठीक है। सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, कोई भी ट्रेन हो या कोई भी वस्तु हो, अगर एक समान दिशा में वो चल रही है, ठीक है, एक समान दिशा में अगर x और y अपने गति से आगे बढ़ रही है, ठीक है, और कोई भी जो वस्तु है या कोई भी जैसे गाड़ी है, रेलगाड़ी है, अगर वो विपरीत दिशा में इस तरीके से चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम सापेक्ष चाल या सापेक्ष गति जो है निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निकलेगा x माइनस वाई अपॉन सॉरी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सापेक्ष चाल निकालना। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं,
कौन कौन से प्रश्न जो है चाल, समय और दूरी के लिए पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, देखिए। देखिए क्या बोला गया है, निम्नांकित कथन में से कौन सा संबंध सही है ना, निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी गुणित समय है, ये गलत हो जाएगा है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय है, ये सही हो जाएगा। समय बटे दूरी, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी सहायक शिक्षक में खास करके सूत्रों पर आधारित जो है प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल सूत्र याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ना, इसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। कैसे याद करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसको मीटर पर सेकंड में हमको ज्ञात करना है। तो 108 लिख लीजिए सबसे पहले, यहाँ पे क्या था, किलोमीटर पर आवर था है ना, इसको अपने को मीटर पर सेकंड में बदलनी है। तो 108, 108 हो गई यहाँ पे, गुणित किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 1000 कर दीजिए पूरे का बटे, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 3600 सेकंड, तो ये 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको कटा देंगे, यहाँ से देखिए 10, 10 कैंसिल, फिर 10, फिर 10 कैंसिल है ना, 36 से कटा दिए, 36 एकम 36, और 36 दिया 108 होता है। अब यहाँ पे कितना बच गया, 3 बज गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 10 बज गया, तो 3 गुणित 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सारे के सारे मीटर पर सेकेंड में दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकंड में इस तरीके से निकालते हैं, है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो 1000 बटे 3600 कर दीजिए, और इसमें चेंज करनी है तो मीटर पर सेकंड में, अगर हमको किलोमीटर में चेंज करनी है तो ये हो जाएगा 3600 बटे 1000 है ना, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अभी बताएंगे आगे और प्रश्न आएगा तो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं। देखिए इस तरीके से प्रश्न हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। देखिए एक धावक 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा करता है, तो उसकी गति है। अब देखिए ये मीटर में दिया है और ये सेकंड में दिया है, लेकिन हमको निकालना किसमें है, आंसर में हमारा क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है। तो देखिए इसकी गति, गति यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा, कितनी दूरी तय कर रहा है और कितना समय ले रहा है। तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 200 मीटर है ना, कितना समय ले रहा है, 24 सेकंड। अब ये, अब मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं अपन है ना, तो 1000 का भाग दे देते हैं, ठीक है, और समय को जब हम घंटे में, सेकंड को जब हम घंटे में चेंज करते हैं तो यहाँ पे 3600 हो जाएगा। अभी जब, अभी मैंने बताया कि कैसे चेंज करते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से कटा दीजिए 10, 10 और 10, 3 0 कट गया यहाँ से, देखिए है ना, फिर यहाँ से कटा दीजिए 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना बज गया, 20, और ये 3 बज गया। अब यहाँ से इसको भी कटा दीजिए, 2 से 2 दहम 20, अब 10 गुणित 3 बज गया, 10 गुणित 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन निकल करके आ रहा है, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, एक कार की गति क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3600 मीटर की दूरी यह कितने समय में तय करेगी। ठीक
ठीक है, 3600 किलोमीटर की दूरी यह कितने है समय में तय करेंगी ये बताना है। मतलब हमको सिंपल सी बात है कि हमको क्या निकालनी है, हमको जो है समय निकालनी है ना। चलिए एक बार कोशिश करिए आप लोग निकालने की, बहुत ही इजी है ना। क्या क्या दिया हुआ है हमको, कार की गति दी गई है, मतलब स्पीड बताया गया है, स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। और क्या दिया गया है हमारा, दूरी दिया गया है, ठीक है, दूरी यानी डिस्टेंस कितना दिया गया है, 3600 मीटर में दिया गया है। तो इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 3.6 किलोमीटर, क्योंकि सेम सेम हमारा यूनिट लाना रहता है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। ये हो जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है ना। हमको क्या निकालना है, समय यानी टी का वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा, 3.6 बटे चाल, चाल कितना है 36 दिया है। अब यहाँ से दशमलव को कटाते हैं तो एक जीरो लगाते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 बटे 10, एक इसमें आ गया, घंटे में आ गया, है ना, 1 बटे 10 घंटे में आ गया। अब इसको अपने को चेंज करनी है किसमें, क्योंकि हमारा ऑप्शन हमारा मिनट में दिया हुआ है ना, ऑप्शन हमारा मिनट में दिया हुआ है। तो 1 बटे 10, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कटा दीजिए, 10 एकम 10 छक्का 60, ये हो जाएगा 6 मिनट। देख लीजिए कौन सा रहा है आपका, सी ऑप्शन निकल करके आना है, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं, एक एक स्टेप आप जाते जाइए, जैसा यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट पर रखना है अपने को, और जो यूनिट हमको पूछा गया है आंसर में ऑप्शन में, उसी के अकॉर्डिंग अपने को सरल करनी है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, चलिए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस तरीके से, एक व्यक्ति क्या करता है, ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करता है, वापस आता है। मतलब 60 किलोमीटर की गति से गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या किया, वापस आया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो दूरी है ना, यहाँ पे दूरी क्या है, समान है, यहाँ पे दूरी क्या है हमारा, समान है, वही उसी जो है दूरी में जा रहा है, उसी ओर जा रहा है और वहीं से जो है वापस आ रहा है, मतलब दूरी हमारा क्या है, समान है। तो मैंने बताया था कि यदि दूरी समान रहती है ना, यदि दूरी हमारी समान रहती है तो औसत चाल या औसत गति कैसे निकाला जाता है, 2xy/x+y, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो है पहला वाला जो गति रहता है वो है, और वाई क्या है, दूसरी वाली गति जो वापस आती है वो है। अब कर दीजिए यहाँ से, 2 × x का मान 60 दिया है, गुणित वाई का मान कितना दिया है, 100 दिया है, पूरे का बटे 60+100, ठीक है। तो यहाँ से सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 × 100 बटे 160। अब कटा दीजिए इसको, कटाएंगे तो यहाँ से देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 3 6 और 2 4 8, फिर 4 से 25 बार में, इसलिए कितना हो जाएगा, 3 × 25 बचा, यानी 75 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी औसत गति या औसत चाल क्या हो जाएगी, 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन निकल करके आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से बनाना है, ध्यान रखना है आपको कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या निकालना है अपने को। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए सेम है ना, ये भी सेम है। देखिए, एक व्यक्ति एक समान गति 30 किलोमीटर पर आवर से बॉम्बे से गोवा जाता है तथा एक समान गति 50 किलोमीटर पर आवर से बॉम्बे वापस आता है। मतलब एक बार जा रहा है, एक बार वापस आ रहा है, तो औसत चाल निकालना है, सेम करना है ये भी, है ना, सेम करना है ये भी। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी हमारी 2xy/x+y, ठीक है, 2xy। तो एक बार एक सेकेंड जगह 30 रखना, एक बार 50 रखना, तो आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। तो इसको बनाइएगा आप लोग और कमेंट में आंसर बताइएगा कितना आ रहा है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि कितना आ रहा है आपका आंसर। चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आ रहा है बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन।
देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है इस तरीके से, एक राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करती है, ठीक है, 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है, और अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी हमको बतानी है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको दिया है 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरा करती है, मतलब यदि यहाँ से मैं दूरी निकालता हूँ, है ना, यदि यहाँ से मैं दूरी निकालता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार ये वाली दूरी दी गई है 5 घंटे में तय करती है, एक बार ये वाली दूरी दी गई है 10 घंटे में तय करती है, मतलब कुल तय की गई दूरी, है ना, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, ठीक है, तो कुल तय की गई दूरी क्या हो जाएगी हमारी, 650 किलोमीटर प्लस 940 किलोमीटर, निकाल दीजिए कितना आ रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0, 5, 4, 9 और 9, 6, 15, कितना आ गया, 1590 किलोमीटर आ गया, तो ये कुल तय की गई दूरी हो जाएगी, कुल लगा समय कितना हो जाएगा, देख लीजिए, एक बार 5 घंटे में तय करती है और एक बार 10 घंटे में, मतलब टोटल कितने घंटे, 15 घंटे, ठीक है, तो यहाँ से औसत गति हमारी क्या होती है, फॉर्मूला, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, तो कुल तय की गई दूरी कितना है, 1590 है, बटे कुल लगा समय कितना है, 15 घंटे, तो यहाँ से कटा दीजिए, 15 एकम 15, 15 शून्यम 0 और 15 छक्का 90, कितना आ गया, 106 किलोमीटर पर आवर, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन निकल करके आ रहा है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल था, है ना। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, देखिए एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में और शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकेंड में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी, देख लो सेम ही है ना भाई, कुछ कुछ नहीं करना है, जैसा आपको दिया जाए उसी तरीके से बनाना है, अभी जो प्रश्न किया अपन पिछला सेम उसी तरीके से, तो इसको भी आप लोग बनाइएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, है ना, इसको भी आप लोग बनाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, बनाइएगा, सेम बनेगा, अभी जो मैंने बताया सेम उसी विधि से बनेगी और उस तरीके से बनाना है, इसको कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है आंसर आपका। चलिए हम आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है यात्रा करता है, तो उसका औसत चाल हमको बताना है, देख लीजिए औसत चाल, सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, 2 घंटे में कितना दूरी, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जो है जाता है, तो यहां से यदि मैं दूरी निकालूं तो दूरी मेरा कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 किलोमीटर, है ना भाई, फिर क्या बोला है कि 1 घंटे में 13 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है, तो यहां से अगर मैं दूरी निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर हो जाएगा, यदि मैं कुल दूरी निकालता हूं, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्लस 13 किलोमीटर, मतलब कितना आ गया यहां से, 33 किलोमीटर, ठीक है, और कुल लगा समय, कुल कितना समय लग रहा है, देख लीजिए समय तो दिया हुआ है अपने को, कितना, 2 घंटे और 1 घंटे, मतलब कुल कितने घंटे, 3 घंटे लग रहे हैं, तो हमको क्या बताना है, औसत चाल हमको बतानी है, औसत चाल, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल तय की गई दूरी यानी 33 बटे कुल लगा समय यानी 3 घंटा, तो कितना निकल के आ गया, 11 किलोमीटर पर आवर, देख लीजिए डी ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से अपन सरल करते हैं, बहुत ही इजी है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, है ना, तो
कल और हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर सरल करिए, एक बार अच्छे से पढ़िए इसको, खास करके सूत्रों को याद रखिए, क्योंकि सहायक शिक्षक में कभी कभी सूत्र पर आधारित जो है प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। तो बिल्कुल सूत्र को याद रखिए, जितना भी अपन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बिल्कुल सबको याद रखिए, है ना। और जितना क्वेश्चन अगर उतना भी कर लेते हैं तो रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। जो गणित में कमज़ोर हैं, जिनको गणित जो है अच्छे से नहीं आता, नहीं बन पाता, केवल जो बता रहे हैं अगर वही क्वेश्चन कर लेते हैं तो रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, इसी पर आधारित कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।